हाँ तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। पहले दिन का खेल में खत्म में पहली पारी में भारत 336 रन पर 26 विकेट यशस्वी 179 रन बनाकर नवाज है। अभी आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ है। भारतीय टीम फिलहाल 0-1 से पिछड़ रही है। हैदराबाद में खेले गए टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में भारत सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा। दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट गंवा कर 336 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 179 रन और रविचंद्रन अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद है। भारत को 330 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा। रेहान अहमद ने केस भारत को शोएब बशीर के हाथों कैच कराया, वह 17 रन बना सके। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 179 रन और अश्विन ने 5 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के 300 के स्कोर पर 6ठा विकेट रेहान अहमद ने केस भारत को शोएब बशीर के हाथों कैच कराया। तो और बता दें दोस्तों कि इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 257 गेंदा में 179 रन बनाए, उसमें विस्फोटक 17 चौका और 5 गगनचुम्बी छक्कों के साथ 179 रन बनाए। वहीं बात करें रोहित शर्मा कैप्टन अपना, तो कुछ खास नहीं कर पाए, 41 गेंदा में 14 रन बनाए। शोएब बशीर के हाथों होली पॉप को कैच दे बैठे। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल भी अच्छा खेले हैं, 46 गेंदा में 34 रन बनाए 5 चौकों की मदद से। तो बात करें शुभमन गिल को जेम्स एडर्सन ने आउट किया और कैच फोकस ने रोके। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो फिर से वही पारी भाई, फ्लॉप फ्लॉप 59 गेंदों में 27 रन की पारी खेले। टॉम हार्टली ने लिए, कैच फोकस ने लिए। राजत पाटीदार 72 गेंदों में 32 रन बनाए, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। उनका डेब्यू मैच है, डेब्यू मैच में बहुत अच्छा पारी है 3 चौकों के साथ। रेहान अहमद ने बोल्ड आउट कर दिया। और दोस्तों अक्षर पटेल ने 51 गेंदों में 27 रन बनाए 4 चौका मारे, उनको रेहान अहमद ने कैच रोका। बॉलर शोएब बशीर थे। शिखर भारत 23 गेंदों में 17 रन बनाए 2 चौका और 1 छक्के की मदद से। शोएब बशीर ने आउट किया। अश्विन 5 रन बनाकर अभी क्रीज पर 1 चौका की मदद से। इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो जेम्स एडर्सन ने 17 ओवर में 3 मेडन 30 रन 1 विकेट। जो रूट ने 14 ओवर में 71 रन दिए लेकिन 1 भी विकेट हाथ नहीं लगा। टॉम हार्टली को इस बार कोई मौका नहीं दिया इंडियन बल्लेबाजों ने। 18 ओवर में 2 मेडन 74 रन और 1 ही विकेट मिला इनको। शोएब बशीर को 28 ओवर में 100 रन लेकर 2 विकेट लिए। रेहान अहमद 16 ओवर में 2 मेडन 61 रन और 2 विकेट लिए। तो बात करें दोस्तों भारत का पहला विकेट 40 रन पर रोहित शर्मा के रूप में गिरा था। वहीं बात करें नेवासी के स्कोर पे, सुमन गिल आउट हुए थे, श्रेयस अय्यर 179 पे आउट हुए थे, राजत पाटीदार 249 रन पे आउट हुए थे और अक्षर पटेल 301 रन पे 5वां विकेट गिरा था। शिखर भारत के रूप में 330 पे 6ठा विकेट गिरा था। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे।